हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या विकट स्थिति आ पड़ी थी कि माता सीता को भूमि में समाना पड़ गया था। क्या इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था, तथा क्या श्री राम इतने कठोर थे कि उन्होंने बार बार माता सीता के चरित्र पर संदेह किया। आज हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे तथा बताएंगे कि आखिर क्यों माता सीता को भूमि में समाना पड़ गया। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, आपको राजधर्म क्या होता है तथा इसकी क्या परिभाषाएं हैं और इनकी क्या मर्यादाएं हैं, इसके बारे में जानना आवश्यक है। एक राजा प्रजा से बनता है तथा राजा का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह हमेशा प्रजा के हित में ही कोई निर्णय ले। चूँकि एक प्रजा के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता है, तो राजा अपने सभी निर्णय वहीं लेने होते हैं। प्रजा के अधिकांश लोगों का मत होता है, अन्यथा उसे राजा रह जाने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी को राजधर्म कहा जाता है। दोस्तों, बात उस समय की है जब एक धोबी के द्वारा माँ सीता के चरित्र पर उंगली उठाई गई थी। राजधर्म को मद्देनजर रखते हुए श्री राम ने माता सीता को, जो निर्मल जल की तरह पाक पवित्र थीं, उनका त्याग किए दोस्तों, ताकि उनके मर्यादा में कोई दाग ना लगे। इसलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। जब माता सीता महल से वन के लिए गईं, तो वो गर्भवती थीं और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और कुश नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि जब लवकुश बड़े हो गए, तब वे दोनों अपने गुरु वाल्मीकि के आदेशानुसार अयोध्या में आए और सभी को रामायण कथा सुनाई। अंत में उन्होंने राज दरबार में स्वयं को श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताया। इसके पश्चात अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। श्री राम ने यह जब सुना कि प्रजा के मन में किंतु परंतु जैसे सवाल उठ रहे हैं, तो उस प्रश्न के आगे पूर्ण विराम लगाने के लिए उन्होंने स्वयं सीता को यहाँ आकर इसका प्रमाण देने को कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। उस सभा में उपस्थित गुरुजन और माता सभी का मन विचलित हो गया। साथ ही जब ये बातें माता सीता ने सुनी, तो उनका भी मन कुंठित हो गया। इतने वर्षों से अयोध्या की प्रजा के मत को ध्यान में रखकर वे वन में रह रही थीं, तथा इसके पश्चात भी उनकी शुद्धता का प्रमाण मांगा जा रहा है। इसलिए उन्होंने इस अपवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का निश्चय किया, जिसके आगे कभी यह समस्या खड़ी ना हो। जब माता सीता राज दरबार में पहुंची, तो वहां सभी के सामने उन्हें अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। यह सुनकर माता सीता ने सभी के सामने शपथ ली कि यदि उन्होंने मन वचन तथा कर्म से केवल भगवान श्री राम को ही अपना आराध्य माना है तथा उन्हें ही अपना पति माना है, तो हे धरती माँ, आप इसी समय दो हिस्सों में बट जाएं और मुझे अपने शरण में ले लें। यह सुनकर एक जोरदार गर्जना हुई और धरती दो हिस्सों में बट गई। उसमें से धरती माँ अवतरित हुई और दोस्तों, माता सीता को अपने साथ ले जाने के लिए प्रस्तुत हुई। जाने से पहले माता सीता ने सभा में उपस्थित गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा अन्य गुरु, पूज्य माताएं कौशल्या, केकई तथा सुमित्रा व अपने पिता जनक को प्रणाम किया तथा उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने दुखी हृदय के साथ माता सीता को आशीर्वाद दिया। अंत में माता सीता ने श्री राम को प्रणाम किया तथा कहा कि यदि उनके और भी जन्म हों, तो सभी जन्मों में उन्हें पतिदेव के रूप में प्रभु श्री राम ही मिले, किंतु किसी और जन्म में कभी ऐसी विकट स्थिति ना वापस आए
अंत में दोस्तों, माता सीता ने श्री राम के चरणों में अपना अभिवादन किया। अपनी माता सीता को भूमि में समाते देख लव कुश अधीर हो उठे तथा उनसे न जाने का अनुरोध करने लगे। अपने दोनों पुत्रों को इस तरह रोता देखकर माता सीता ने लव कुश से कहा कि वह उन दोनों को उनके पिता श्री राम के हाथों सौंप कर जा रही हैं। माता सीता को भूमि में समाते देखकर अयोध्या की प्रजा को भी अपनी भूल का अनुभव हुआ तथा उन्होंने माता सीता से क्षमा याचना की। माता सीता ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। और इसी प्रकार दोस्तों, माता सीता ने स्वयं के लिए उपजे इस विवाद कलंक को हमेशा के लिए शांत कर दिया। माता सीता के धरती में समाने के बाद प्रभु राम का क्या हाल हुआ और लव कुश को कौन कौन से राज्य के कार्यभार मिले आदि बातों को जानने के लिए मेरी अगली वीडियो को जरूर देखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।